हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। यह टॉपिक जीके और जीएस से रिलेटेड है और ये आपकी हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, आपको हर एक परीक्षा में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो या रेलवे, कोई भी एग्जाम हो आपको जीके में या स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि इस्केमो जनजाति किस देश से बिलोंग करती है, किर्गिज जनजाति किस देश से बिलोंग करती है। तो इसके लिए आपके लिए यह वीडियो पर्याप्त है। कम से कम यहाँ पे हमने 20 से 25 जनजातियों को डिस्कस करना है, जिससे आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके लिए इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां। अगर आपसे पूछ लिया जाए एस्किमो जनजाति आपको किस देश में मिलेगी, तो यह ग्रीनलैंड में और कनाडा में ये एस्किमो जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको फ्रेंड्स आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछ ले किर्गिज जनजाति किस ये एरिया या किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो किर्गिज जो जनजाति है फ्रेंड्स यह मध्य एशिया में मिलती है। माओरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है और ये मसाई जनजाति फ्रेंड्स यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका से यह बिलोंग करती है। तो आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा से बिलोंग करती है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया से बिलोंग करती है, माओरी जो जनजाति है फ्रेंड्स यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है और मसाई जनजाति फ्रेंड्स यह पूर्वी अफ्रीका में यह पाई जाती है। अगला नेक्स्ट जनजाति की बात करें फ्रेंड्स, आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी परीक्षा दोगे फ्रेंड्स उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बेददास जनजाति की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बेददास जनजाति आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी, यह श्रीलंका में पाई जाती है। नीग्रो जनजाति फ्रेंड्स आप इसके सभी परिचित होंगे, यह मध्य अफ्रीका में यह जनजाति मिलती है। सेमांग जनजाति की बात करें तो यह मलेशिया में पाई जाती है और यूकाधर एक ये जनजाति है, यह साइबेरिया रूस में यह पाई जाती है फ्रेंड्स। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बेददास जनजाति कहाँ पर मिलेगी फ्रेंड्स, श्रीलंका में। निग्रो जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो यह मध्य अफ्रीका में मिलती है। सेमांग जनजाति की बात करें तो यह मलेशिया में पाई जाती है फ्रेंड्स और यूकाधिर जो जनजाति है यह साइबेरिया में मिल जाती है। अगली बात करें आइनू जनजाति जापान से बिलोंग करती है, यह जापान की एक प्रमुख जनजाति है ना। बुशमैन जनजाति की बात करें फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कालाहारी यह साउथ अफ्रीका में यह मिलती है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में यह जनजाति मिलती है, यहीं पर एक पिग्मी जनजाति भी पाई जाती है ना। तो रेड इंडियन जो जनजाति है फ्रेंड्स ये कनाडा में पाई जाती है और पिग्मी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं यह कांगो बेसिन अफ्रीका में यह मिलती है। तो आइनू जनजाति की बात करें तो यह जापान में पाई जाती है फ्रेंड्स। बुशमैन जनजाति की बात करें तो यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। रेड इंडियन इसकी बात करें तो यह कनाडा में पाई जाती है और पिग्मीज जनजाति की बात करें तो यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट अगले जनजाति की बात करें तो बारो जनजाति, आपसे पूछ ले बारो जनजाति किस देश से बिलोंग करती है, तो ब्राजील से बिलोंग करती है। इनकाथा जो जनजाति है यह दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है ना। हैदा जनजाति यह अमेरिका की जनजाति है और तरतार ये जो जनजाति है यह साइबेरिया की जनजाति है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, इनको आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। अगली जनजाति बद्दू जनजाति की बात करें तो यह अरब प्रदेश से पाई जाती है ना। पापुआंस ये न्यू गिनी में पाई जाती है, पापुआंस जनजाति न्यू गिनी में पाई जाती है। और याकू जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और एक ये जुलू जनजाति नेटाल प्रांत में पाई जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स जो आज हमने ये जनजाति पढ़ी है, अगर इनको आप सभी को याद करना चाहते हैं तो एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें हमने 20
जनजातियों को डिस्कस किया है और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए, सभी इंपोर्टेंट परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जीके और जीएस का एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनजाति से लेकर के आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक को लेकर के इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो में आपको देता हूं, जिससे आप बहुत कम समय में अपने रिवीजन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।